आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालागढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक रितु खंडूडी भूषण की अगुवाई में तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने तिरंगा रैली के साथ स्वयं भी क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को अपने घर पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। शहर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तिरंगा रैली के दौरान हाथ में तिरंगा थामे विधानसभा अध्यक्ष ने नारे लगाकर रैली में मौजूद विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं, मंडल के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों को प्रोत्साहित किया। सभी लोग हाथों में तिरंगा थाम कर चल रहे थे, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। रैली में छात्र छात्राओं एवं लोगों द्वारा प्रेरक नारे लगाए गए। लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। रैली में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गुंजीमान हो बैठा। ज्ञात हो कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे देश में स्वतंत्रता समता मनाया जाना है। इस दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मैं तिरंगा यात्रा को आज निकालने पहुंची थी। हमें सबको बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी, देश के वासी हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कालागढ़ में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कालागढ़ के रहने वालों के साथ आज मैंने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली। अपने झंडे का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान आज हमें दोबारा से अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा दोबारा से झंडे के प्रति समर्पित की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।